हेलो गाइस, रोटू ग्रैंड मास्टर सीजन 37 की सीरीज के एपिसोड नंबर 9 के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, यहां पे आप लोग मेरा स्कोर वगैरह चेकआउट कर सकते हो। 7842 मेरा स्कोर हो रखा है एंड आज का मेरा टारगेट है 8000 स्कोर कंप्लीट करके जाने का। एंड यहां पे भाई अगला दिन भी स्टार्ट हो चुका था, मंडे लग चुका था ना, तो यहाँ पे गन स्किन वगैरह मेरे को मिली, मतलब जो भी होता है वो गन स्किन के वेपन टैग वगैरह। और यहाँ पे आप लोग देखते हो अभी जो है मैं 6900 के अंदर चल रहा हूँ ग्रैंड मास्टर के अंदर। और जैसे कि आपको पता है मैं विदाउट गन स्किन खेल रहा हूँ सीजन, मैंने डिसाइड कर लिया मैं विदाउट गन स्किन के खेलूंगा सीजन, मतलब बीच बीच में गन स्किन लगा लगा के मैं आपको गेम प्ले दिखाऊंगा, तो मतलब मजा भी आएगा हमें, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा पूरा सीजन ही जो है विदाउट गन स्किन के वाला खेलूं, ठीक है, जिससे कि काफ़ी जो मेरे मतलब जो एवरेज प्लेयर हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। एवरेज से मेरा मतलब है जो पैसे नहीं फूकते हैं, जो दिमागदार वाले बंदे हैं, ठीक है। सोशल डायरेक्टली गेम प्ले की ओर बढ़ते हैं। अब ये जो है मेरे इस एपिसोड का पहला गेम प्ले होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ना 2 किल कर रखे हैं एंड 8 बंदे अलाइव हैं। और एक्समेट और बाइजन का कॉम्बिनेशन, मेरे सामने एक बंदा दिखा जिसको मैंने हेडशॉट देके जो सीधा नॉक कर दिया बेचारे को। भाई यार इसकी वॉल, संतोष क्या नाम था इस बंदे का, मैंने देखा नहीं यार, यहाँ पे इसकी वॉल फटी नहीं रही यार। पीछे से भी एक बंदा डैमेज दे रहा है। एक तो इतने सारे बंदे मिलके सब डैमेज देते हैं इकट्ठा होके, तो इतना हार्ट रेट ऐसा बढ़ जाता है कि भाई बस थोड़ी देर रुक जाओ, ठहर जाओ, सब मार दोगे क्योंकि एक ही बारी में, तो ऐसा सीन हो जाता है मेरे साथ। आप लोग मुझे बताओ कि आपका कैसा होता है। और प्लीज यार कमेंट करो भाई, मैं पढ़ता हूँ कमेंट, भले ही थोड़ा धीरे धीरे पढ़ता हूँ लेकिन आप लोगों ने तो कमेंट ही करने बंद कर दिए। प्लीज कमेंट करो यार, ठीक है। सो यहाँ पे लैंडमाइन मैंने लगा दी एक, एंड जस्ट भाई राइट हैंड साइड के अंदर काफी फाइट वगैरह चल रहा है, सो जस्ट लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी बंदे हैं, सो क्या सीन। मैं यहाँ पे ना थोड़ी देर ना बैठ के ना कैंपिंग करने वाला हूँ। अब यार बैकग्राउंड के अंदर आपको आवाज सुनाई दे रही है तो उनको जस्ट थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना प्लीज, रिक्वेस्ट आप लोगों से, ठीक है। मतलब क्या ही बोलूँ, जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो भाई हर दूसरा बंदा जस्ट धुन धुन धां धां यही लगे रहता है, क्या ही बोलूँ। सो जस्ट यहाँ पे जोन जो है काफ़ी ज़्यादा दूर बना है यार, और ऊपर की साइड में भी बंदा है और लेफ्ट हैंड साइड वाला बंदा भी जस्ट इधर उधर घूम रहा है, उसके क्लियरली फुटस्टेप्स नहीं दे रहे हैं मुझे। लेट्स सी क्या सीन होता है यार यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जस्ट एक ड्रॉप भी गिरा हुआ है और ऊपर की साइड में बंदा है शायद, है ना। देखो भाई ऊपर वाले बंदे ने डैमेज दिया, पहले मैं कंफ्यूज हो गया था कि वो उतना डैमेज दे कहाँ से रहा है, फिर मेरे को याद आया कि भाई वो ऊपर टावर के ऊपर चढ़ा हुआ था और इतने खतरनाक तरीके से चढ़ा हुआ था भाई, क्या ही बोले। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी वेस्ट वगैरह को रिपेयर किया यार, यहाँ पे उसने आधी वेस्ट फाड़ दी थी मेरी। ऑलराइट, सो जस्ट इसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया भाई। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन इसको मैंने नॉक कर दिया था, लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, मतलब क्या नहीं क्या ही बोलूँ, मतलब नॉक करने के बाद भी सोनिया की वजह से जिंदा रह गया है बॉट। यहाँ पे 15 का प्लस हुआ मेरा। अब यार यहाँ से ना ये वाला जो आपको गेम प्ले दिखा रहा हूँ ना भाई, ये रात का गेम प्ले होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जस्ट मेरे को नींद आ गई थी एंड मैं सो गया था, ठीक है। और इतनी देर में क्या हुआ मेरी आईडी के साथ मुझे कुछ नहीं पता, जस्ट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एक मिनट को। यहाँ पे जस्ट एक बंदा है यार बेचारा कैंपिंग करता है एंड इस बंदे को मैंने इजीली मार दिया। और भाई इस वाली गेम में तो एवरेज से भी बिलो एवरेज प्लेयर्स आ रखे हैं। रात के 3:30 बजे का गेम प्ले, ठीक है, 3:30 बजे के आसपास का गेम प्ले, तो आप लोग लगा सकते हो कि कैसी लॉबी आ रखी होगी मेरी। ऑलरेडी जिन भाइयों ने मेरी वीडियो देख रखी है कि कैसा बॉट लॉबी ला सकते हो, उन्हें पता है कि ये बॉट लॉबी मैं कैसे लेके आया हूँ, ठीक है। तो अब मेरे इस गेम में तो 4 खेलते हैं, क्योंकि यार इस गेम में तो मैं जस्ट कैंपिंग करता, मैं बहुत नींद के अंदर गेम खेल रहा था। जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी चीज़ ना आप लोगों से छुपाना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, और जस्ट वही चीज़ों की वजह से जस्ट मैं आपको सारी सारी चीज़ें बता देता हूँ यार। तो जस्ट अभी ना मैं ऊपर थोड़ा पहाड़ वाली साइड में चढ़ रहा था ताकि मैं देख लूँ यार, मतलब कोई बंदे वगैरह, वो 2 के 2 बंदे बचे हैं ना, कहाँ पर है वो। सो जस्ट यार मैं ऊपर की साइड में जा ही रहा होता हूँ कि भाई इतने में मेरे को एक बंदा भी दिख जाता है यहाँ पे। भाई स्वागत कर रहा है, मतलब मेरा मतलब स्वागत कर रहा है, क्या क्या कर रहा है बैठ के भाई, क्या बॉट बंदा था भाई यार ये। मतलब गाइज मैं आपको देखना दिखाना नहीं चाहता था ऐसी लॉबी, लेकिन कोई और ऑप्शन था भी नहीं मेरे पास इतनी रात में, क्या ही मैं फुल हार्ड लॉबी दिखाऊँ यार। लेकिन जो आखिरी बंदा ना, इसकी फाइट देखना, मतलब लाइक सीरियसली मैं इसको भी बॉट समझ रहा था, और लेकिन ये बॉट था नहीं भाई, हद से ज़्यादा खतरनाक बंदा था ये, ठीक है। बंदा नहीं था, बंदी थी, लड़की थी ये, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट नीचे से मेरे डैमेज दे रही है वो, सो क्या होगा यार यहाँ पे सीन, लेट्स सी। एक तो यार मेरी हेल्थ ऐसे ऐसे खत्म हो जाती है ना, मतलब रात इस टाइम पे ना, मतलब ऐसी नींद के अंदर था मैं, मतलब मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, जस्ट बस नींद में हूँ मैं, बस लड़ रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, रैंक पुशिंग चल रही है। यहाँ पे आखिरी बंदा वैसे भी है। सो जस्ट इस लड़की ने भाई काफ़ी डैमेज दे दिया, मेरी आधी वेस्ट फाड़ दी यार। सुपर मेडिकेट कितनी यूज करूँ मैं यहाँ पे, और रश मारने की ट्राई कर रही है भाई मेरे पे, इतनी आसानी से भी नहीं मार देगी यार, ऐसा थोड़ी है भाई। ग्रोजा एक्स है मेरे पास, भले ही विदाउट गन स्किन है लेकिन बहुत तगड़ी चलती है यार ग्रोजा। सो यहाँ पे अगेन मैंने लॉन्चर फेंका एंड बाहर निकली है भाई, इसको मैंने मुश्किल से 30-50 के डैमेज का छोड़ा हुआ मुश्किल से, एंड बस किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे बच गई है। अब नहीं बच पाएगी, लेकिन भाई देख सकते हो आप लोग
काफी अच्छी प्लेयर थी यार ये लड़की, एंड एट द एंड क्वीन त्रिशा जो भी नाम था उसका मैंने इसको फेल दिया, एंड यहाँ पे जो है ये वाला गेम प्ले अपना बोया निकाल दिया। 3:30 बजे का गेम प्ले है रात के, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितने का प्लस लगा था इस वाली गेम में, मेरा लगा था 27 का प्लस। सो अब ये वाला गेम प्ले आप लोग देखो यार, यहाँ पे जो ये वाला गेम प्ले आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मेरा जो है शायद इस वाली गेम में 4 बज चुके थे रात के, एंड यहाँ पे जो इस वाली गेम के अंदर मेरे 4 किले, एंड ये वाला जो है अच्छा लॉबी आया था, मतलब कि ठीक ठाक लॉबी आया था, ठीक है, अच्छा तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ ठीक ठाक लॉबी था, पिछले वाले लॉबी से काफ़ी बेटर लॉबी था ये, ठीक है। तो मैं जस्ट एक बंदे का मैं एम ले रहा था, उसको मैंने हेडशॉट दिए दो, भाई वो बंदा किसी ना किसी तरीके से बच गया मुझसे, और ऊपर की साइड में भी बंदे हैं, यहाँ पे आखिरी के 3 बंदे बचे हैं। ये लॉबी ठीक ठाक था जैसे कि मैंने आपको बताया, और जोन मैंने पहले ही कवर कर लिया आके, रोटेशन लेता भाई खेला था मैंने इस वाली गेम के अंदर ना। और यहाँ पे M60 और ट्रोगन के कॉम्बिनेशन है जो कि भाई बाप कॉम्बिनेशन है, मैं लाइक सीरियसली बता रहा हूँ आपको। एक बंदा जैसे जोन के अंदर अटका पड़ा है, तो वो जोन वाला निकलता है नहीं निकलता है वो देखते हैं, और एक बंदा उस टावर के अंदर ही बैठा हुआ जिसको मैंने हेडशॉट दिया था ना, देखो ये बंदा बाहर निकला, एंड इस बंदे को मैंने डाउन कर दिया है यार, किल चोरी ना हो जाए मेरा भाई। यहाँ पे ऑलराइट किल चोरी तो नहीं हुआ। अब जो आखिरी बंदा बचा है जो कि बाहर निकला, भाई पेड़ का कवर ले दे, तो एक काम कर, कोई बात नहीं निकलेगा, एंड अगेन मैंने इसको काफ़ी डैमेज दिया, एक आधी गोली का यार ये बंदा, भाई मर जा फटाफट। तो अब ऑलरेडी यहाँ पे इसकी मैंने सोनी एक्टिवेट करवा दी, और ये वाला गेम प्ले मैं इजी बीजी अगेन बोया निकाल चुका हूँ। यहाँ पे जो है मेरा देख सकते हो आप लोग, हाँ 4 बजे का गेम प्ले था, मेरे डेली मिशन लग गया इस वाली गेम के अंदर। यहाँ पे मेरा जो है 50 का प्लस हुआ भाई, मतलब मजा आ गया था 50 का प्लस देख के ना, सुबह सुबह के टाइम पे 50 का प्लस, वाह 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 वाह। यहाँ पे 2 का स्टिक लग गया। अब यार इस वाली लॉबी के अंदर आप लोग देखो, यहाँ पे मेरे पास ना 1 किल है, एंड ये जस्ट उसी का अगला गेम प्ले है, और ये गेम प्ले भी भाई आधी नींद के अंदर का गेम प्ले है, लेकिन इस वाली गेम के अंदर ना मेरे होश जो है थोड़े से उठ चुके थे, मतलब कि सीरियसली बता रहा हूँ। यहाँ पे बंदे की जस्ट मॉन्स्टर ट्रक के अंदर चढ़ा है, एंड इसके मॉन्स्टर ट्रक को भाई मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज देके पूरा फाड़ दिया, और ये बंदा नीचे कूदा। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करी मैंने इसके मॉन्स्टर ट्रक को फाड़ के, आप लोग खुद देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मेरे भाई ट्रोगन क्या सीन है भाई, रिलोड ही नहीं हो रही यार, ऑलरेडी रिलोड तो ही मैक्स डैमेज लेके चढ़े जा रहा है मुँह पे, बहुत डैमेज देके इसको मैंने नॉक किया, लेकिन पीछे से भी डैमेज पड़ रहा है। एट द एंड भाई इस बंदे को मैंने पूरा फिनिश किया, और भाई अपने आप को पैक करने का ट्राई किया मैंने, और मेडिकेट यहाँ पे मेडिकेट वगैरह मार लेते हैं यार अपना, और पीछे की साइड में भी बंदे हैं, क्या ही बोले यार ये। मतलब एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपको बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा है मतलब कि धन 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 का, भाई वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे जस्ट गली के अंदर मेरे ना वेल्डिंग की शॉप है, और वहाँ पे ना मतलब जस्ट कुछ ना कुछ चलते रहता है, मतलब धू धड़ाम समझ रहे हो, काम चलता रहता है, इस वजह से ऐसा है। यहाँ पे जस्ट एक बंदे ने रश मार दिया मेरे ऊपर, जिसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया, एंड ऑलराइट कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे भाई। भाई कहाँ कहाँ से पड़ रही है मुझे ये डैमेज, कहाँ कहाँ से पड़ रहा है भाई, सब मार दो एक काम करो। सो यहाँ पे जस्ट मैंने फटाफट से ना अपनी सुपर मेडिकेट मारी यार, क्योंकि भाई मेरे को हर जगह से पड़ रही थी, मतलब यहाँ पे हर जगह से एक और बंदा। हाँ भाई तू भी मार ले भाई, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बंदा था, लेकिन जस्ट ये अपनी नूब आईडी से खेल रहा था या क्या कर रहा था मुझे नहीं पता। अगेन मैं एक गोली का हूँ भाई, मतलब ये हो क्या रहा है मेरे ऊपर, इतने बंदे कहाँ से रश मार रहे हैं यार, इतने बंदे, और रात में मतलब ऐसा दिमाग ख़राब हो गया था मेरे इस वाली गेम के बाद, मतलब हर जगह से आ रहे हैं। तो आपको समझो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यार, नींद के अंदर आप एक तो गेम खेल रहे हो, और उसके अंदर आपके हर दूसरा बंदा मुंह पे रश मारे, क्या ही बोले। लेकिन ये अच्छा गेम प्ले गया था क्योंकि अच्छी लॉबी थी ना। तो यहाँ पे जस्ट इस बंदे को मैंने इजी पीजी यहाँ पे मार दिया, और एक बंदा और है जो कि लॉन्चर से मेरा जो एंटी लॉन्चर से बॉल फाड़ने का ट्राई कर रहा था, यहाँ पे उसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया, चुन्नू से डैमेज दिया, और एक और बंदा, तो वो भी देखना पड़ेगा कि वो बंदा कहाँ पर है। लेकिन आफ्टर ऑल ये गेम काफी अच्छा गया था यार, जो है सो है, लेकिन मजा आ गया था गेम खेलने में, क्योंकि यार एक तो रात का टाइम था, एंड बॉट लॉबी से मैं बोर हो चुका था, तो ये काफी अच्छा लॉबी आया, तो मेरे को बढ़िया लगा, मैंने कहा भाई बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि यार आप जब बॉट को मारने लगते हो ना, तो आपका अच्छा गेम प्ले मिस हो जाता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। सो जस्ट अभी मैं यहीं पे बैठ के थोड़ा पोटेंशियली वेट कर रहा था, एंड वो बंदा जो जोन से निकलने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि जोन उसके पास है नहीं, और ऊपर से ना मुझे किसी बंदे के ना साइलेंसर की आवाज़ आ रही थी, तो मेरे को लग रहा था कि भाई कोई बंदा डैमेज दे ही ना दे मुझे। देखो भाई बोल ही रहा हूँ, इतने में डैमेज पड़ा कहाँ से, मैं वो दिख रहा था ना, तो वो बंदा मुझे ऊपर दिख रहा है ना, वो बंदा नीचे दिख रहा है कहाँ पे वो बंदा। यहाँ पे मैंने भाई बहुत ट्राई किया उछलने कूदने का, लेकिन ऑल राइट दिख गया दिख गया दिख गया, अब जाके दिखा वो बंदा मुझे, और जैसे ही दिखा मैंने ऊपर साइड में वॉल डाली, और वो पीछे किसी वजह से लड़ रहा था, इस वजह से जस्ट दिखा मुझे, वरना वो दिखता नहीं, और उस पर काफ़ी एडवांटेज है यार हाइट का, एंड मैं जस्ट वैसे ही इतना छोटा सा कवर लेके बैठा हूँ, इजीली यहाँ पे मर जाऊँगा, इसलिए हम भाई थोड़ा सा पोटेंशियली होल्ड करेंगे यार। एक तो मेरे पास ना वो स्कैनर वगैरह कुछ भी नहीं है जिससे पता चल जाए मुझे कहाँ कहाँ पे बंदे, और अब मैंने डिसाइड किया यार मैं पीछे की साइड से जाके ना रोटेशन लेके जो है जोन कवर करूँगा, एंड रोटेशन तो मैंने ले लिया, और साइड में बंदा डैमेज दे रहा है मुझे, भाई ऊपर वाले डैमेज देना उसको, ऊपर वाला बंदा उसको डैमेज नहीं दे रहा यार पता नहीं क्यों। अब उस ऊपर वाले बंदे के मेरे को पूरे पूरे फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे हैं,
इसलिए मैं जस्ट थोड़ा सा होल्ड कर दिया था कि अगर वो बंदा रश मारता है या नीचे कूदता है तो उस बंदे पर मार दूँ। लेकिन अब मेरे को पता चला वो साइड की सीढ़ियाँ होती है ना, उससे जा रहा है नीचे की साइड में, इतनी आवाज़ आ गई थी मुझे। तो ऑलराइट भाई, उस वाले बंदे ने, ऊपर वाले बंदे ने इसको मार दिया एंड ऊपर वाला आखिरी बंदा बचा है। और देखो आप लोग भाई, जैसे कि मैंने आपको कहा ये नीचे कूदेगा ही, तो जैसे नीचे कूदा एंड इसको अगेन मैंने बहुत डैमेज दिया और भाई फाइनली आखिरी बंदे को सली गेम के फिनिश कर दिया। यहाँ पे जो मैंने गेम मेरा बहुत ही आराम से मक्खन तरीके से बोया निकल गया, जिसके अंदर मेरा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा 28 का प्लस लगा था और ये काफ़ी अच्छी लॉबी का गेम प्ले था यार, यहाँ पे 3 का स्ट्रीक लग गया। सो अब अगर हम लोग इस वाली गेम की बात करें, ये जस्ट उसी का अगला गेम प्ले था। यहाँ पे मेरे 6 किल है एंड आप लोग बंदे देख सकते हो 5 बंदे अलाइव है और यहाँ पे ना मुझे एक बंदे के ना फुटस्टेप्स नहीं दे रहे थे, लेकिन जस्ट वो बंदा नहीं दिख रहा था यार, फुटस्टेप क्लियरली सुनाई दे रहे हैं लेकिन बंदा नहीं दिख रहा। मैं बहुत कंफ्यूज था कि भाई वो बंदा है कहाँ पर, तो जस्ट यहाँ पे मैं होल्ड किया एंड भाई वो बंदा जस्ट मेरे पीछे आ गया। अचानक से उसको मैंने हेडशॉट दिया और ये एकदम से आया ना, मैं डर भी गया भाई कैसे भूत भूत है क्या, कौन सा करेक्टर यूज़ कर रहा है जो अचानक से मेरे पीछे आ गया। सो अब एट दी एंड भाई इसको मैंने मार दिया। ये एवरेज लॉबी का गेम प्ले था, मतलब एवरेज नहीं बोलेंगे इस लॉबी को, ये काफ़ी हार्ड लॉबी थी। मतलब कुछ कुछ बंदे थे जो मतलब समझो यार बात को, मतलब बिल्कुल बिगिनर वाले प्लेयर थे। और यहाँ पे जैसे एक बंदे को मैंने डैमेज दिया थोड़ा सा, यहाँ पे काफ़ी डैमेज दिया बंदे को और यहाँ पे मैंने पोर्टल का यूज़ करके इसके ऊपर रश मारना सही समझा, सबसे बड़ी गलती करी मैंने इसके ऊपर रश मार के। देख लेना आप अभी यहाँ पे इसको मैंने पहले पूरा फिनिश किया, मेरे 8 किल हो चुके हैं एंड जस्ट अभी देखो यहाँ पे मैं बहुत ही खतरनाक वाली गलती कर रहा हूँ, अभी खुद देख लेना आप लोग मैं गलती गलती क्यों बोल रहा हूँ बार बार। जस्ट देखो यहाँ पे मैं ना देख रहा था कि ऊपर की साइड बंदा है कि नहीं है, यहाँ पे एक बंदा दिखा जिसको मैंने बहुत डैमेज दिया और इसने मुझे नॉक कर दिया। यहाँ पे गेम खत्म, मेरा बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। मैंने ना इस लॉबी को ना थोड़ा हल्के में ले लिया था, हल्के में लेने की वजह से यार यहाँ पे मेरा गेम रह गया, अदरवाइज मैं आराम से मार देता भाई इसको भी और आराम से वाला गेम प्ले बोया निकालता। हालांकि ग्रोज़ेक्स यार इस पे फिर भी, लेकिन यार क्या ही बोले, मैं निकाल लेता गेम। यहाँ पे 20 का प्लस हुआ मेरा। इस वाली गेम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मेरे पास ना 4 किल थे एंड जस्ट मेरे पास ना M4A1 है 3 लेवल का। और देखो भाई इस वाली गेम के अंदर आप लोग मुझे बॉट बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट एक बंदे के साथ टीम अप कर रखा है जो कि था अपना सब्सक्राइबर और ये बात की गारंटी मुझे नहीं है, इसलिए जस्ट मैंने जो है थंबनेल या फिर कहीं भी यूज़ नहीं किया कि आई प्ले विद सब्सक्राइबर, कि रैंडमली मुझे गेम में सब्सक्राइबर मिल गया। क्योंकि भाई क्या होता है ना, एंडिंग के अंदर ना हम दोनों मर जाते हैं। मैं बताता हूँ टीम अप हुआ का था, स्टार्टिंग के अंदर जस्ट हम गेम में मैं जैसे लैंड किया उसी टाइम इस बंदे को मैंने मारा और मारने के बाद इस बंदे ने टीम अप किया, पता नहीं क्यों शायद इसने नाम पढ़ लिया था और यहाँ पे जस्ट मैंने लैंडमाइन बिछाई, उसके बाद मेरी लैंडमाइन से बेचारा डैमेज हो गया। तो मैंने कहा भाई मेडिकेट वगैरह ले लें, मर मत। यहाँ पे इसने देखो अपनी दिमाग देखो भाई बंदे का, अपनी मेडिकेट छोड़ी इसने और मेरी सुपर मेडिकेट उठा ली। लॉल यार मेरी लेकिन लैंडमाइन वेस्ट करा दी यार, कोई बात नहीं। सो आप 4 खेलते हैं इस वाली गेम के अंदर एंड बंदे देख सकते हो यार, हम दोनों को हटा के 9 बंदे अलाइव हैं एंड जस्ट मैं इसी वाले एरिया के अंदर थोड़ी देर कैंपिंग करने वाला हूँ। अब यहाँ पे ना हम दोनों ना आसमान के ऊपर चढ़े हुए थे, मतलब कि इस घर की छत के ऊपर चढ़े हुए थे एंड दोनों जस्ट मिलके बंदों को डैमेज दे रहे हैं। यहाँ पे मेरे 5 किल कंप्लीट हुए थे एंड नीचे की साइड में बंदा है। सो ऑलराइट यहाँ पे जस्ट लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। इसको मैंने बोला कि भाई नीचे की साइड में आ जा, रोटेशन लेते हुए जोन को कवर करते हैं, क्योंकि यार मैं ना मतलब जोन में फंस जाता हूँ इस वजह से, जस्ट मैं इसके साथ मिलके जोन में फंसना नहीं चाहता क्योंकि यार मेरा मतलब ध्यान फोकस है इसमें कि ये भी ना मरे और मैं भी ना मरूँ, हम लोग बचे एंड के अंदर टॉप 2 तक। उसके बाद मैं इसको बोया दे देता, देखते हैं अभी होता क्या है। 5 किल तो है मेरे और हम दोनों के अलावा 3 बंदे लाए हैं। एक बंदा जस्ट यहाँ पे गाड़ी यूज़ कर रहा है, ब्लू वाला मॉन्स्टर ट्रक, जो कि मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया भाई, मैंने वो फाड़ दिया है, ये भी डैमेज दे रहा था उसको। ऑल राइट भाई, थोड़े से डैमेज दिए इस बंदे को मैंने। ये बंदा गया कहाँ, ये गया कहाँ, लेकिन एक सेकेंड ये गया कहाँ भाई, ये रहा ये रहा ये रहा, ट्रोगन लेके चढ़ा हुआ है भाई ये बंदा, इस पे रश क्यों, बहुत सबसे बड़ी गलती करी मेरी, मतलब सबसे बड़ी गलती थी उसके पर रश मारना, हद है यार, मतलब बहुत डर लगता है मुझे ट्रोगन वालों से। MP40 लेके ट्रोगन वाले से फाइट ले रहा हूँ भाई, लॉल क्या ही बोले। अब देखते हैं यार ये उसको मार पाता है अपने दोस्त को कि नहीं मार पाता, लेट्स सी भाई। यहाँ पे दोस्त मेरा गलती कर रहा है मेरी तरह, ये सीधा रश मार रहा है इसके ऊपर और भाई इसने मेरे दोस्त को भी मार दिया, क्या ही बोले यार इसे, और ये खुद ही मर गया शायद। ये जो है हमारा आखिरी गेम प्ले था यार। सो यार इसी तरीके से ना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको गेम प्ले वगैरह दिखा दी इस वीडियो के अंदर एंड होपफुली आप लोगों को देखने में मजा आया होगा विदाउट गन सिंगल गेम प्ले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अब यार जिन भी मेरे भाइयों ने जो है जस्ट नहीं देखी अभी तक मेरी माइनक्राफ्ट की वीडियो, जाके फटाफट से चेकआउट करो, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जैसे उसके ऊपर टैप करो एंड आपका जो है मेरा सेकंड चैनल खुल जाएगा, जहाँ पे मैंने माइनक्राफ्ट की सेकंड एपिसोड डाल दिया है कि मैं जो है माइनक्राफ्ट के अंदर पॉकेट एडिशन कैसे खेल रहा हूँ। मैं मिलता हूँ उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।